प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठवीं बार केदारनाथ धाम आए और उन्होंने पूरे देशवासियों को एक सौगात दी और तमाम जो निर्माण कार्य केदारनाथ में हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी की। जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं और जो मजदूर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। क्या रहा उनकी यात्रा का खास मकसद और क्या वो सौगात दे गए हैं, उसको विस्तार से जानते हैं इस स्टोरी में। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इतने व्यस्त होने के बावजूद भी केदारनाथ पे उनकी जो है बराबर नज़र बनाए हुए हैं और ये उनकी छठवीं यात्रा थी। ये अपने में एक अद्भुत है और मैंने उनसे ये कहना चाहा कि भाई देखिए, आप जो आज इतनी जो आपकी ताकत बढ़ी है, आप पूर्ण सूर्य के भांति पूरे विश्व में चमके हैं, तो इसका भी प्रारंभ आपने केदारनाथ जी में जो पहली यात्रा की फिर दूसरी यात्रा की उसी का कारण है कि पूरे हिमालय से जो पूरे विश्व में एक संदेश गया और आप एक शक्तिमान प्रधानमंत्री बनने के में आए। हाँ, खास मुद्दा तो हमारा यही है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा है उस ज्ञापन में दो 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 बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि जो मकान अपने में जीवित जो मकान है जिनमें आज भी यात्री ठहरे हैं, सरकार के कर्मचारी ठहरे हैं, उन भवनों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। साथ में ये था कि वॉश आउट जो मकान हो रखे, जिन लोगों के वह मकान वॉश आउट हो चुके हैं उन लोगों को जो है मकान बन के दे दिया, पहले उनको जो है प्राथमिकता दे दी जाए। तीसरा बिंदु ये था कि सरकार के द्वारा करोड़ रुपया जैसे निर्माण का घाट का निर्माण कार्य हुआ उसको तोड़ा गया, फिर वो बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होता है उसमें स्थानीय आदमी को जो है जोड़ दिया जाए, ताकि जो है वो जो यहाँ के बारे में उसको बताए कि यहाँ के बारे में उनको ज़्यादा पता होता है तो वो बता पाए कि इसका दिशा निर्देश क्या होना चाहिए। तो यही हमारे मुख्य बिंदु थे। बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा था, कल स्नोफॉल भी हो रही थी शाम को। आज हम लोग पहुंचे, देखे, बहुत बढ़िया व्यू था। सुबह मॉर्निंग का तो बहुत प्यारा व्यू था, पूरा बर्फ से ढका हुआ था, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था और ये मंदिर बहुत सुंदर लग रही थी। मोदी जी से उनके दर्शन हुए, देखा? जी, हमने देखा, हमारा रूम जो था बिल्कुल बगल में था तो हमने बिल्कुल उनको लाइव देखा है, एकदम अपने सामने देखा हुआ है। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आए? जी, फर्स्ट टाइम है हमारा। बहुत अच्छा लगा, हम कल शाम को ही आ गए थे, हमने कल सुबह स्टार्ट किया था, शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे और शाम को भी हमने आरती किया, दर्शन किया और फिर बगल में ही रुके हुए थे। आज सुबह का भी हमने देखा, बहुत अच्छा माहौल था और सुबह तो मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप खिली हुई है। कल स्नोफॉल बहुत ज़्यादा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आज, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हमने शिलान्यास किया है रोपवे का, तो भविष्य में रोपवे बनेगा तो ठीक रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा रोपवे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है। जिस तरह का यहाँ पे रास्ता है, कहीं पे एक तो इतना लंबा है, करीब 16 से 18 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें बीच बीच में लोगों को आने में जो परेशानी होती है चढ़ने में, इवन मैं भी पैदल ही आया हूँ तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई पैदल आने में, खाने का, रहने का, बीच में ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो बेहतर है उससे। मैंने सुना है कि अगर वो बन जाएगा तो ये दूरी हम आधे एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। लंबे समय से चाह रहे थे कि यहाँ पर रोप वे लगे। माननीय इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर आई थी, राजीव जी आए थे, हमने उनसे भी निवेदन किया था कि रोप वे होने का बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो रोप वे का इन्होंने कार्य जो प्रारंभ किया है उसकी मेरे समझ से पूरे देश के अंदर लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और इससे हर यात्री जो है यहाँ तक पहुँच पाएगा।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बरसों की जो तमन्ना थी आने की यहाँ पूरी हो गई वो आके, और यहाँ पे महादेव जी के दर्शन के साथ साथ आज हमें मोदी जी को भी देखने मिला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को कल स्नोफॉल भी देखने मिला और मौसम पूरा खुला है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्या बताए, ऐसा लग रहा है एकदम जन्नत में आ गए हम। प्रधानमंत्री का जो एयरफोर्स का विमान है वो ठीक मंदिर प्रांगण से 200 मीटर पीछे करीब 8:05 पर वो लैंड हुआ। उसके बाद वो जो स्पेशल कार उनके लिए जो एक छोटा सा वाहन मंगाया गया था उससे वो सीधे मंदिर प्रांगण में पहुंचे और फिर उन्होंने करीब 8:30 पूजा अर्चना की। तो मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया उनके आगमन से पहले, ठीक वैसे ही जैसे कपाट उद्घाटन समारोह और कपाट समापन 27 अक्टूबर को होना है तो उससे पहले ही पूरा मंदिर सजा दिया गया है फूलों से। उन्होंने करीब 10 किलोमीटर का जो रोपवे है जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बनना है उसका शिलान्यास किया, यानी आधारशिला उसकी रखी। उसके अलावा एक वाटर टैंक है जिसमें गर्म और ठंडा पानी आएगा और मंदिर की जो मंदाकिनी का आस्था पथ है वहाँ पर बना है उसका उन्होंने लोकार्पण किया। मंदाकिनी में जो आस्था पथ बन रहा है उसका उन्होंने निर्माण कार्य देखा, क्योंकि अगली बार से जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम है वहीं से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे आस्था पथ होते हुए आपको इस तरफ से मंदिर प्रांगण में आना है और उसके बाद दर्शन करके ये जो प्रांगण के दूसरी तरफ है वहाँ से बाहर निकलना है। ये पूरी जो केदारनाथ में आगे का भविष्य का रोड मैप है वो उन्होंने यहाँ पर रखा। कुछ उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बात की, तीर्थ पुरोहितों की जो समस्याएं थी उनको उन्होंने सुना और जो सफाई कर्मचारी हैं जो यहाँ की एक तरीके से बैकबोन जिसे कहेंगे उनसे उन्होंने बात की और जो मजदूर यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं उनकी परेशानी को समझा, क्योंकि वेदर कंडीशन कितने बुरे होते हैं यहाँ पे ये तो श्रद्धालु जानते ही हैं। उनसे उनके अनुभव साझा किए कि जब टेम्परेचर -7 तक चला जाता है उस समय काम करना कितना मुश्किल होता है। यात्रा बहुत अच्छी थी, बस वेदर कंडीशंस बहुत हार्श हो जाता है यहाँ पे, तो रास्ते में अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा होंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते में कई लोग हिम्मत हार जाते हैं और ठंड से उनको कुछ चोटें लग जाती हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर रास्ते में और होंगी तो सबके लिए अच्छी और ईजी हो जाएगी यात्रा। बाकी यात्रा बहुत अच्छी है और जितना भी कोई भी जो आता है वो वर्थ इट होता है इसके लिए। जब आप घर से निकले थे सोचा था कि ऐसा कुछ मिलेगा वेदर कंडीशन? हाँ, वेदर कंडीशन हमने चेक करके निकले थे बट इतना खूबसूरत होगा ये नहीं सोचा था। शाम को पहुँचते बर्फ़ गिरने लगी और फिर यहाँ पे पूरा कोहरा था, मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था उस वक्त और सुबह इतनी अच्छी धूप है, सारे मौसम मिलते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था ये। छोटे बच्चे के साथ आए? नहीं, ऐसे हमें कोई इसका मतलब आइडिया भी नहीं था हमने कि हम भगवान के इधर दर्शन करने जाएंगे। जैसे मैंने छुट्टी ली तो मेरे एक दिल में ख्याल आ गया, मैंने बोला चलो केदारनाथ चलते हैं। अभी इसका भी नहीं सोचा हमने कि वहाँ पे इतनी ठंड है या कुछ भी। फिर जब रास्ते में आते आते हमें देखने लगा कि ठंड तो ज़्यादा है, मगर फिर भी हमने भोलेनाथ की कृपा से मैंने बोला अभी दर्शन करके ही जाएंगे, तो इसके चलते हम इनके साथ दर्शन करने के लिए आ गए। नहीं, अभी ऊपर वाले की कृपा से अभी तक तो नहीं है, भगवान की कृपा से अभी तक बढ़िया है। बहुत ज़्यादा धर्म की ओर, ऐसे प्रधानमंत्री जो धर्म की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और धर्म को बढ़ावा देना, सनातन धर्म को एक नई पहचान दी है भारत की। यशस्वी, कीर्तिमान और तपस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।